हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। तो जो भी चैनल पे नया है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं माइनक्राफ्ट की एक अमेजिंग सी सीरीज। तो सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये वाली जगह बहुत डेंजरस होने वाली है और यहाँ पे कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे हम आराम से खेल सकें। मुझे लगता है आगे जाना चाहिए, और वो पहाड़ कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं है, है भाई ज़्यादा ही ऊपर है, और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। कहाँ से जाऊँ यार, यहाँ से चलते हैं, शायद यहाँ से कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, या फिर पीछे की तरफ भी एक जगह हो सकती है। सबसे पहले ना मुझे एक विलेज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि विलेज इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यार यहाँ से तो मुझे कोई विलेज का कोई आइडिया नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ से कोई विलेज हो सकता है, और यहाँ से भी कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही कि हम विलेज तक पहुँच सके। और ये वाली जगह बहुत डेंजरस है, यहाँ से तो मुझे निकलना ही निकलना है। वो ज़ोंबी का साउंड आ गया, तो यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। और कहाँ ओके, यहाँ से चलते हैं, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। ओके, थोड़ा और। सबसे पहले ना ये एक ट्री तोड़ के चलते हैं, कुछ वुड वगैरह भी मिल ही जाएगी हमें। ओके, फटाफट से कट कर लेते हैं इसको। ऑल राइट, ये कट हो चुका है। मुझे ना वो वाली पहाड़ के साइड पर जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसी जगह हो सकती है जो हमें इन डेंजरस मॉब से बचा सके, और जो हमारा स्टोरी है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो फटाफट से हमें वो आगे जाना पड़ेगा, देखते हैं कि कितना दूर है। सबसे पहले ना मुझे खाना भी चाहिए, तो इसको मार के थोड़ा सा खाना ले लेते हैं। अबे मर जा, कहाँ भागेगी, अबे मर जा। अबे तेरी, ओ फाइनली थोड़ा सा खाना मिला। इसको मारने के चक्कर में बहुत हेल्थ गई अपनी। निकलना पड़ेगा, अभी रात होने वाली है, और रात भी अभी स्पेंड करना बहुत डेंजरस है इसमें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नाइट स्पेंड हो सकती है, एक जगह तो ढूंढनी पड़ेगी। खाने के नाम पे हमारे पास कुछ है नहीं। ओके, ज़ॉम्बी स्टार्ट हो गया आना। निकलना पड़ेगा मुझे भाई, निकलना पड़ेगा। और हमारे पास एक भी टूल नहीं है अभी, मतलब हम खतरे में हैं। वहाँ नहीं, वो भी नहीं है, मुझे लगा था वो विलेज है एक्चुअल में, बट विलेज नहीं था ये। ओके, वो भी विलेज नहीं है। अरे भाई विलेज तो चाहिए होगा हमें भाई, बिना विलेज के तो इसमें सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। ऐसे ऐसे ज़ॉम्बीज है इसमें। पहले से ज़ॉम्बीज बैठे हैं यहाँ पे, मतलब हमें आगे जाने नहीं देंगे लोग। एरिया तो प्लेन है, और विलेज का कुछ आइडिया नहीं है अभी। मुझे पता है बिल्कुल ट्रीज के ऊपर से जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीज के नीचे आ गया तो मैं तो ये मेरे को मार देंगे, मुझे पता है। स्केलेटन से मुझे तो ऐसे बचना है जैसे यार ये कहीं से भी मार सकते हैं, मतलब इनके पास जो एरो है, और इनका जो सटीक एम होता है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आप पेड़ के पीछे हल्का सा भी पीक कर दोगे तो बस आपको एरो लग जाएगा, इतना इनका एम बॉट होता है। तो मुझे यहाँ से जाना तो पड़ेगा, वैसे भी मेरी हेल्थ जाने वाली है, और मेरे पास अभी टूल्स भी नहीं है कि मैं कुछ ज़ोंबीज वगैरह को मार सकूँ। और फटाफट से यहाँ पे निकलना पड़ेगा, और ये वाली जगह के डॉग है तो इतने सारे ज़ोंबीज, मैं मरने वाला, मैं मर गया। यार फटाफट से, मेरे हेल्थ तो बहुत कम है, मुझे गड्ढा करना पड़ेगा और उसमें सरवाइव करना पड़ेगा मुझे। ओके, जब तक डे होता है तब तक मुझे यहीं पे बैठना पड़ेगा, अदरवाइज ये बाहर मार देंगे मुझे। ऑल राइट, जब तक बाहर रात होती है तब तक हमें यहीं पे रहना पड़ेगा, और तब तक हम अपने कुछ टूल्स वगैरह भी बना सकते हैं, और फटाफट से यहाँ पे तोड़ेंगे, और अपने वुड हमारे पास है, थोड़े बहुत टूल्स बना सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेना चाहिए। क्राफ्टिंग टेबल आ गया अपने पास, यहाँ पे रखो, और कुछ टूल्स भी बना सकते हैं हम फटाफट से। एक तो हमें एक पिकेक्स बनानी चाहिए, और एक स्वॉर्ड या फिर एक एक्स बनानी पड़ेगी। ऑल राइट, ये वाले बेसिक टूल्स जो है ना, हमें सारे बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो दो से अपना काम हो जाएगा। और फटाफट से ये वाली चीज़ें जो है हम अपने इन्वेंट्री में रख देंगे, और थोड़ा सा माइन कर लेना चाहिए यहीं आसपास में, क्योंकि हमें थोड़ा सा आयरन अगर ना भी मिले तो स्टोन वगैरह मिल ही जाएंगे, तो स्टोन तो यहाँ पे मिल जाएंगे हमें। थोड़े बहुत कॉपर स्टोन लेके इकट्ठे करके, और थोड़े बहुत टूल्स वगैरह बना लेते हैं फटाफट से।
ओके हो गया, कितने हो गए हमारे पास? चार ही हो गए, हमें कुछ थोड़े और चाहिए होंगे भाई। चार से तो बहुत, चार तो बहुत कम है, ये भी तोड़ना पड़ेगा। और आठ है, बट हमें एक फर्नेस भी बनाना है तो कुछ और भी चाहिए। एट तो फर्नेस में चले जाएंगे ना, हमें फर्नेस के अलावा भी तो टूल्स चाहिए होंगे, तो फटाफट से कुछ और भी तोड़ लेते हैं। और यहाँ पे तो बहुत सारे स्टोन है ही। ऑल राइट, हमारे पास बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, मतलब बहुत सारे स्टोन्स आ गए हैं, और हम कुछ टूल्स वगैरह भी बना सकते हैं। सबसे पहले मेरे को एक फर्नेस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे थोड़े बहुत स्टोन चाहिए। तो हो गया एक फर्नेस, और अब हमें थोड़े बहुत स्टिक्स बनाने पड़ेंगे, कि हमें कुछ टूल्स भी तो बनाने हैं। ये वाले टूल्स अभी किसी काम के नहीं हैं, अभी वुडन वाले हमें यूज़ नहीं करने, हमें बस स्टोन वाले यूज़ करने हैं। फटाफट से एक पिकेक्स बनेगा और एक एक्स बनने वाली है, जो कि हमें फ्यूचर में काम देगा। सो ऑल राइट, अभी जो है बाहर दिन हो चुका है, और हम यहाँ से बाहर फटाफट निकल सकते हैं। और सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल साथ में लेकर चलते हैं और ऊपर चलते हैं। ओके, तो हम, मैं कहाँ से आया था ये भी मुझे याद नहीं है। आई थिंक यहीं कहीं से, अच्छा यहाँ से आया था मैं, और मुझे इस तरफ जाना था, बट मेरी अभी हेल्थ इतनी कम है कि मैं भाग नहीं सकता। फटाफट से मुझे कुछ खाना वगैरह ढूंढना पड़ेगा। इधर लेक वगैरह वगैरह अगर होगी तो मुझे कुछ फिशेस वगैरह मिल सकते हैं। बट सामने मुझे कुछ दिखा, वो चिकन भी तो दिखा। फटाफट से यहाँ से हम खाना इकट्ठा कर लेंगे, और थोड़ी बहुत अपनी हेल्थ बढ़ा के थोड़ा फास्ट भाग सकते हैं। प्लीज़ गिव मी सम फूड। ओके थैंक यू। सबसे पहले ये मेरे को फेंकना पड़ेगा, ये भी फेंकना पड़ेगा, खाना जो है वो खाना पड़ेगा। ओके, तो अब मेरी हेल्थ थोड़ी जो है वो रेस्टोर हो चुकी है, बट ये बंदा नहीं मर रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि आई एम न्यू। ओए मर जा मर जा, थैंक यू, तू भी मर जा, थैंक यू, तू भी मर सकता है। वेल डन, थोड़ा सा और खाने इकट्ठा कर लेते हैं, जितना भी हमसे हो सकता है उतना इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि आगे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाने की। क्या पता हमें कोई विलेज वगैरह ना मिले, और हमें जो है खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे थोड़ी बहुत हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बस दो हार्ट है मेरे, जो कि हमारे लिए बहुत डेंजरस है। और सामने मुझे एक विलेज दिखा, फाइनली एक विलेज दिख गया, अब और इसको भी मरना पड़ेगा। अभी मर जा, कितना तेज भाग रहा है ये। तो भाई विलेज तो मिल गया, अब हमें यहाँ पे किसी को मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सामने विलेज पे चलते हैं और वहीं से सारा खाना इकट्ठा कर लेंगे। और यहाँ पे अभी एक, अबे कहाँ गया कहाँ गया, मुझे अभी एक एंडरमैन तो दिखा था, चलो गायब हो गया, छोड़ो। फटाफट से आगे की तरफ चलते हैं, और अपना खाना जो है हमारे पास, कहाँ गया खाना, ये रहा खाना, इसको वहीं पे स्मेल्ट भी कर लेंगे, मतलब कुक भी कर लेंगे। लेकिन विलेज में भी तो खाना मिल ही जाएगा, काफ़ी बड़ी विलेज मुझे लगता है ये है। हाँ काफ़ी बड़ी विलेज है, यहाँ से हमें खाना बहुत सारा मिल सकता है। फटाफट से अंदर चल के देखते हैं, चेस्ट वगैरह में मिल जाएगा कुछ, क्योंकि हमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट से आर्मर ढूंढने हैं। क्योंकि जो ये वाला मोड है, इसमें हमें अमेजिंग से आर्मर, कम से कम 20 टाइप्स के आर्मर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ये वाली चेस्ट खोल के देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। फटाफट से इसमें देखते हैं, अभी खाना मिला। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मुझे लगा था कि इसमें हमें पहला आर्मर मिल जाएगा, जिसके लिए हम ये वाला मोड स्टार्ट कर रहे थे। बट वो वाला आइडिया बिल्कुल फेल हो गया, कुछ मिला ही नहीं इसके अंदर। फटाफट से यहाँ पे चलते हैं, और ये वाटर मेलन अभी हमें नहीं चाहिए। डेफिनेटली हमें खाना चाहिए, बट वाटर मेटल मेलन से तो कुछ होगा नहीं। और सबसे पहले डे यहाँ पे ना अपना ये शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि अगर हम मर भी जाए गलती से तो यहीं पर स्पॉन हो जाएंगे। और फटाफट से अंदर चल के देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर वो आर्मर मिल जाएगा। ओए आर्मर कहाँ मिलेगा से पता, अबे मुंह मोड़ लिया भाई इसने, मुंह मोड़ लिया इसने। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो मिलने वाला है नहीं। ओए तुम दोनों को कोई आइडिया है कि वो आर्मर कहाँ पे मिलेगा? वो डेंजरस आर्मर चाहिए मेरे को, मिलेगा? अबे एक दूसरे को देख रहे हैं, गजब बेइज्जती है, पता नहीं कुछ चल रहा है इनके बीच। ओके खाना मिल गया बहुत सारा, तो यहाँ से हम खाना इकट्ठा कर सकते हैं। हेबेल से हमें कुछ ब्रेड्स वगैरह मिल ही जाएंगे, और कुछ नहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इनमें से तो बहुत ज़्यादा मिल ही जाएगा। फटाफट से इसको कलेक्ट करते हैं, अब अंदर चल के देखते हैं कि क्या इसके अंदर हमें कोई, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक और विलेज है, मतलब एक और हाउस है, वो काफ़ी अलग है। मुझे लगता है कि ये इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें वो चीज़ हमें मिल सकती है, जिसके लिए हम इतनी दूर से ये वाले विलेज पे आए हैं, मतलब वो आर्मर। ओके इसके अंदर एक चेस्ट भी है, और शायद हमें ये वाली चेस्ट में से वो आर्मर मिल सकता है। तो फटाफट से ओपन कर लेते हैं। कुछ नहीं भाई, बस खाना दे रहा है यार, और कुछ एमरल्स भी मिले हैं, चलो कुछ नहीं, एक बकेट भी मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली है, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए, पर कोई नहीं, बकेट तो हमें चाहिए होगा, पानी इकट्ठा कर लेंगे ना इससे।
और पानी हमें कहाँ से मिलेगा। अब ये पानी स्टैटिक क्यों है। फाइनली हमने ये वाले विलेज में सारे के सारे घर चेक करे और किसी भी घर में हमें वो वाला आर्मर वाला चेस्ट नहीं मिला। मतलब हमें कुछ आगे भी और जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहीं पे डेरा जमाना पड़ेगा और यहाँ पे हम माइनिंग के लिए भी नीचे जा सकते हैं। फटाफट से हमें कोई और घर ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हमें एक बेड वगैरह मिल जाएगा। लास्ट टाइम मैंने कहीं और पे सेट करा था, दूसरे वाले घर पे, जो कि अभी मुझे आई थिंक शिफ्ट करना पड़ेगा ये बीच में कहीं पे। आई थिंक ये वाला सही रहेगा, छोटा सा घर है, सिर्फ मैं रहूँगा और विलेजर तो कहीं पे भी रह सकते हैं। और दूसरा जगह ये है कि ओके ये वाली जगह अच्छी है, ये वाली जगह अच्छी है क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ और सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये वाली चीज़ें लगा सकते हैं, इसके अंदर खाना रख सकते हैं और इनको पकाने के लिए वुड हमारे पास थोड़ी बहुत है, काम चल जाएगा। बाकी हम नीचे से कोल भी इकट्ठा कर सकते हैं, नीचे बहुत सारा कोल था और हमारे पास एक पिकैक्स भी है। अभी के लिए हम आयरन गोलम को नहीं मारने वाले क्योंकि हमें ये वाले विलेज को प्रोटेक्ट भी करना है और रात भी होने वाली है। आई थिंक अभी माइनिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, फटाफट से हमें डे करना होगा और थोड़ा बहुत खाना और बना लेना चाहिए। फटाफट से अपने बेस के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल भी लगा ही देते हैं, इसी चलते थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं और थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं। तो हमारे पास हे बेल तो बहुत सारी है, इनको कन्वर्ट वापस कर देते हैं और थोड़ा बहुत खाना और बना लेते हैं। इतना अपने लिए बहुत है और एक चेस्ट भी लगा लेनी चाहिए, लेकिन जिसके लिए हमें वुड चाहिए होगी और वुड हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। और वुड तोड़ने के लिए मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ये रही थोड़ी सी वुड और ज़ॉम्बी स्पॉन हो इससे पहले हमें डे कर लेना चाहिए, अदरवाइज अभी हमारे पास कोई आर्मर वगैरह नहीं है और कुछ भी हो सकता है। ओए मेरे को सोने दे, मेरा सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विलेजर के लिए नहीं। विलेजर तो वैसे भी इसका डे हो ही गया। ओए खुश रह तू, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो फटाफट से हमारे पास थोड़ी बहुत वुड आ ही चुकी है तो कुछ एक चेस्ट वगैरह बना लेते हैं। ऐसे हम चेस्ट दूसरे वाले हाउस से भी चोरी कर सकते थे, बट नहीं, हम चोरी वाला काम नहीं करेंगे। और फटाफट से ये वाली जगह पे इसको ऐसे लगा सकते हैं क्या? नहीं, सबसे पहले मेरे को ये वाला ट्रैप डोर हटाना पड़ेगा। इसके ऊपर ये भी हटा दो यार, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। ओए बाहर जा, बाहर जा, यहाँ पे सीक्रेट काम हो रहा है, बाहर जा। अरे बाहर जा, मार पड़ेगी। अबे कैसे घूर रहा है मेरे को, ऐसे बॉक्स मेरा बंद करके ना बाहर फेंक दूंगा तेरे को। अबे चौड़ में आगे आ रहा है, बाहर जा। ओके वापस मत आइयो। ओके तो नीचे हम माइनिंग के लिए जा सकते हैं और हमारे पास एक वाटर बकेट भी है तो हम जंप करके अपने आप को डैमेज से बचा सकते हैं। और कोल हमें यहीं पे मिल जाएगा, कोल तोड़ो फटाफट। मुझे ज़्यादा कोल नहीं चाहिए बट जितना भी मिलता है इकट्ठा कर लेंगे। तो फाइनली थोड़ा बहुत कोल मिल चुका है, थोड़ा ऊपर भी है, मुझे लगता है ये अभी नहीं चाहिए होगा। नीचे जितना मिलता है ना वो इकट्ठा कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि इसके अंदर भी कुछ ज़ॉम्बीज वगैरह बहुत है, तो अभी बंद कर लेना चाहिए, इनको ऊपर नहीं आने देना। बाद में मुझे नीचे जाना ही, वहीं पे कूटेंगे, लेकिन उससे पहले जितना भी मुझे कोल और आयरन ऊपर मिलेगा ना वो सब मुझे इकट्ठा कर लेना चाहिए। देखो कोल वगैरह और कुछ स्टोन्स तो हमें मिल चुके हैं, तीन स्टोन ऐसे मिले हैं, थोड़े बहुत और भी लेके चलते हैं स्टोन्स वगैरह, क्योंकि कुछ टूल्स और बनाने पड़ सकते हैं, जैसे एक पिकेक्स बनाना पड़ सकता है, तो इसके लिए थोड़े बहुत और चलते हैं ऊपर वापस से। और अभी हम ना वाटर बकेट करके ऊपर जा सकते हैं, ऐसे वो पानी लगाना पड़ेगा। बट यार ये वाला विलेज में कुछ कर्स है क्या, अटक जा रहा है सब कुछ। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और अभी हमें थोड़ा बहुत आयरन भी चाहिए। डे हो चुका है, मतलब ज़ॉम्बीज का कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, तो हम आयरन गोलम को मार सकते हैं थोड़ा बहुत इसको। नहीं नहीं मुक्का नहीं मारेंगे, तो ऊपर लेके चलेंगे, सबसे पहले अपना हेल्थ बार बढ़ा देंगे और इसको यहाँ पे लेके आके ना मार देंगे। वो इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, हाँ इधर आ। सो जब तक हम आयरन गोलम को मारते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी इसको कूटना इतना डिफिकल्ट है नहीं। को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत सारा आयरन चाहिए और ये तो इन्फिनेटली आते रहेंगे ना, क्योंकि विलेज है तो स्पॉन होते रहेंगे। फाइनली मर गया भाई, बस डी स्पॉन ना हो चीज़ें, फटाफट से मुझे कलेक्ट कर लेना चाहिए। चलो फटाफट से ना अपना एक टूल बना लेंगे, एक पिकेक्स या फिर हाँ एक पिकेक्स बना लेते हैं। और उसके लिए मुझे कुछ वुड भी तो चाहिए। I
आयरन वाली पिकेक्स रेडी हो चुकी है, बाकी कचरा जितना भी है वो यहाँ पे हम लगा देंगे। और कोल तो हमें मिल गया था भाई, कोल हमारे पास बहुत है भाई, और जितना भी एक्स्ट्रा कोल है वो यहाँ पे लगा देंगे हम। बाकी खाना वाना जो भी है वो यहीं पे रहेगा, ये सारी चीज़ें यहीं पे रहेंगी। आयरन दो बच्चे हैं, इनको यहीं पे लगा देंगे जब तक हमें कुछ और भी आयरन मिलता है। और एटलीस्ट आज हमें अपने एक आर्मर इकट्ठा करना पड़ेगा और नीचे चलना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि आर्मर जो चाहिए। तो फटाफट से मुझे लगता है यहीं पे माइन करना होगा नीचे की तरफ। बट हाँ, स्ट्रेट माइनिंग बहुत डेंजरस रहेगी मेरे लिए भी, और सबसे पहले ऊपर बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज पता चला नीचे क्रीपर आके फूट गया तो बहुत बुरा लगेगा, वो भी दिल से। हमें ज़िगज़ैग माइनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ भी हो सकता है नीचे, केयू भी हो सकती है 1.19.3 में, तो नीचे कुछ भी हो सकता है। ओके, आयरन मिला, फर्स्ट आयरन हमारा, इसका मतलब ये वाली लेवल पे आयरन मिल सकता है। ये आई थिंक 21, मैंने सुना था आयरन जो है वो 11 और 12 लेवल पे मिलता है, बट 21 पे भी मिल गया। चलो कोई नहीं, हम यहीं पे माइन कर लेंगे, शायद कुछ और भी मिल सकता है। फटाफट से मुझे ये तोड़ना पड़ेगा। ओ भाई 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 भाई, क्रीपर फूटो, थैंक यू। मुझे इसके नीचे ओके बहुत सारा आयरन है, बट यहाँ पे मार पड़ सकती है हमें। नहीं नहीं, अरे यार मार दिया, मार दिया भाई, मार दिया मार दिया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ज्यादा दूर है नहीं, बट वहां तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि नीचे अंधेरा बहुत है और हमारे पीछे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ फिर से पड़े हैं और मुझे यहां से भागना ही पड़ेगा। क्रीपर फूट जाए यार। हाँ थैंक यू उनको मारने के लिए, बट मेरी भी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है और क्रीपर पीछे ही पड़ रहे हैं। और वहां पे तो बहुत सारे स्केलेटन थे। ओके यहाँ पे अभी कोई नहीं है, सब डिस्पॉन हो चुके हैं, अभी जितना भी माल पानी है हमारा है। और फटाफट से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें आयरन मिल सकता है। ओके आयरन तो हमें ऊपर ही मिला था जब मैं नीचे आया था, ये रहा। और ऊपर बंद करना पड़ेगा, पता चला ऊपर से क्रीपर आ गया तो। और फाइनली हम वो वाली जगह से बाहर जाने वाले हैं जिस जगह से मैं पहले आया था। ओके तो यहीं से हम वापस जा सकते हैं, एक रास्ता बना लेना चाहिए मुझे क्योंकि मैं बार बार यहीं से गिरता हूँ और बार बार मुझे यहीं से आना पड़ता है। विलेजर हमारे पास बहुत सारे, अभी इनसे हमने काम नहीं लिया है। बाकी ये वाला वो घर है जहाँ पर मैंने सबसे पहले चेस्ट लगाई थी, बहुत सारा आर्मर वगैरह जो है हम यहीं पर रख देंगे। ओके आयरन जो है वो इसमें हम स्मेल्ट करने के लिए रख देंगे, उसके साथ कोल तो पहले से लगा हुआ है और आयरन हमारे पास अभी जो है 7 है, बाकी थोड़ा बहुत और लग जाएगा। बाकी ये इधर रख दो यार, एक और फर्नेस मुझे बना लेना चाहिए जो कि हमें टूल्स वगैरह के लिए जो आयरन स्मेल्ट है वो इसमें हो जाएगा, बाकी खाना वगैरह जो है उसमें स्मेल्ट हो जाएगा। हमारे पास स्टोन बहुत सारे हैं और एक और बना दिया मैंने, बस यहाँ पे लगाने वाला हूँ। यहाँ से मुझे खाना वगैरह इसमें लगा देना चाहिए और कुछ कोल भी लगा देना चाहिए, बाकी ये कचरा वगैरह जितना भी है ना इसमें रख देना पड़ेगा। और इसका भी यूज़ नहीं है क्योंकि मेरे पास एरो ही नहीं है भाई, तो बिना एरो के इसका क्या यूज़। और ये पिकेक्स भी टूटने वाली है, ये भी तो वैसे टूटने वाली है, बट अभी काम चल जाएगा। आयरन हमारे पास बहुत सारा आ चुका है, बाकी मेरे पास एक और टूल होना मांगता है जो कि अभी हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास आयरन अभी नहीं है। तो आयरन का नहीं बनाएंगे बट स्टोन का तो बना सकते हैं, फटाफट से बन गया। और मुझे कुछ वुड तोड़नी पड़ेगी जो आसपास हमें मिल जाएगी बहुत सारी, थोड़ा दूर ही जाना पड़ेगा। बट हाँ ये वाली जगह पे ना मैं अपना बेस नहीं बनाने वाला क्योंकि ये वाली जगह मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसका ग्रीन कलर नहीं है, पता नहीं क्या ही है। इसको एक और बायोम बोलते हैं, मुझे इस बायोम का नाम नहीं है। तो जिसको भी ये वाले बायोम का नाम पता है कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वाली बायोम का नाम क्या है। और जो भी चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराओ, वीडियो को लाइक नहीं कराया, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी ये वाली सीरीज जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और ये वाला पूरा ट्री तो मैं तोड़ नहीं सकता, बाकी चलो कोई नहीं, जितना भी तोड़ सकता हूँ उतना तोड़ देते हैं। ये वाला पोर्शन बहुत आगे है और ये नहीं तोड़ सकते भाई, पूरा ही तोड़ सकते हैं। बाकी नीचे तो हमने इसको साफ कर ही दिया है, रात होने वाली है, दोबारा से वापस जाना पड़ेगा, मेरी हेल्थ बहुत कम है, खाना खाओ भाई। चलो अभी थोड़ी बहुत हेल्थ बढ़ गई है, स्पीड भी बढ़ी है, थोड़ा और खाना खा सकते हैं ना। हाँ सो
सो ऑल राइट, अभी डे भी हो चुका है और सारा जो जितना भी हमने आयरन रखा था वो सब स्मेल्ट हो चुका है। अभी के लिए हम अपने लिए एक आर्मर बना देंगे फटाफट से, जो भी हमें मिलता है एक आर्मर तो हम बना ही सकते हैं। चलो ये चेस्ट प्लेट और ये है चड्डी और ये है अपना हेलमेट और ये है फाइनल वाले शूज, और इसके साथ साथ मुझे कुछ टूल्स वगैरह भी बनाने हैं। और ये वाली पिकेक्स तो वैसे भी टूटने वाली है, तो सबसे पहले एक पिकेक्स आएगी, और पिकेक्स नहीं आई, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, पहले स्टिक्स बनाने थे ना, फटाफट से ये रहे अपने स्टिक्स, ये रहा अपना एक पिकेक्स, ये रहा एक एक्स और ये रहा एक स्वॉर्ड, क्योंकि स्वॉर्ड से ज़ोंबीज को इजीली मारा जा सकता है। और एक मुझे एक और चीज़ चाहिए थी जो कि है शवल, बट उसका भी कोई यूज़ नहीं है, जितना भी आयरन बचता है ना वो मैं यहाँ पे रख दूंगा, बाकी यहाँ से जो कचरा है वो बाहर फेंक देंगे, और अच्छी अच्छी चीज़ें जितनी भी है वो इसमें लगा देनी चाहिए। अच्छी चीज़ें वैसे कौन है मेरे पास, कुछ नहीं है, तो फटाफट चल के हम अपना आर्मर पहन लेते हैं और ये वाली वीडियो को यहीं पे एंड कर दें, फटाफट से अपना आर्मर पहन लेंगे और फाइनली हम आ गए हैं थोड़ा बहुत लेवल अपग्रेड करके। और आगे चल के हमें जितने भी आर्मर्स मिलेंगे ना अलग अलग टाइप्स के, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं, और उनके साथ हमें और ज़्यादा ख़तरनाक मॉब्स वगैरह भी मिल सकते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अलग अलग लेवल के आर्मर काम में आ जाएंगे। बाकी आज के एपिसोड हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।